आई एम सुजीत कुमार, स्वागत किया जाता है एक और दमदार वीडियो में, पावरफुल वीडियो में। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना, आपकी मस्ती जीवन में लाइफ में चेंजिंग आ जाएगी। समय कम है, दिन बुरे हैं, समय कम है, यीशु मसीह आने वाले हैं। अपने आप को तैयार कर लो, यीशु मसीह ने आपके सम्मुख जीवन और मृत्यु की बातें आपके सम्मुख यीशु मसीह ने रख दिया है। फैसला भी आपका है, चुनाव भी आपका है, जिसको चुन लो, जिसको चुनना चाहते हो, करो या मरो। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। यीशु मसीह ने कहा है, चुनाव भी आपका है, फैसला भी आपका है, चुन लो जिसको चुनना चाहते हो। जब अंत का समय आएगा तब लोग खराब देश ना सह सकेंगे, परंतु अपने कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। वे लोग ऐसे वचन सुनना चाहेंगे जो अपने कानों की खुजली मिटा सके। आशीष और चंगाई के वचन ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे, कथा कहानियों पर लगाएंगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा परमेश्वर का वचन बोल रहा है। तैयार हो जाओ और सुधर जाओ, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं। याद रखना, जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिलेगा, वह आग की झील में डाला जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए डाला जाएगा। वहाँ की आग नहीं बुझेगी, वहाँ के कीड़े कभी नहीं मरेंगे। जो व्यक्ति ना धकधकती हुई आग में डाला जाएगा, उसका क्या हल होगा? सुधर जाओ और अपना माफ फिरा लो। कब तक पाप करते रहोगे? कब तक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाते रहोगे? कब तक सेक्स वीडियो देखते रहोगे? कब तक मेरे प्रियो, क्या अंत नहीं? समय कम है, दिन बुरे हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं। याद रखना, जो आप पाप कर रहे हो परमेश्वर गिन गिन कर लिस्ट बना रहा है। जब आपका न्याय करेगा परमेश्वर उस स्वर्ग सिंहासन के सामने, तब वही लिस्ट खोलकर आपको दिखाएगा परमेश्वर। तब वह कोई क्षमा नहीं, सिर्फ न्याय किया जाएगा, और उसको उसी न्याय के आधार पर उसको परमेश्वर नरक में फेंक देगा, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। यीशु मसीह ने अपने वचन में साफ साफ कहा है, आग नहीं बुझेगी और कीड़े नहीं मरेंगे। जरा सोचो, जब आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे, तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का? जो व्यक्ति नरक में डाला जाएगा। सुधर जाओ और नाटकबाजी बंद करो और सीधा लाइन पर आ जाइए। यीशु मसीह ने कहा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए जाता है, जगह तैयार करने जाता है। याद रखना, यदि अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना होगा, तो आपको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ जाएगी। यीशु मसीह जब आएगा तो उसी मसीह विश्वासी को लेकर जाएगा, जो पवित्र होगा, जो संसार से निष्कलंक होगा, जो धर्मी होगा, जो अपना पवित्र जीवन बिताता होगा, सिर्फ वही यीशु मसीह के साथ जाएगा। वरना यीशु मसीह किसी को लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि जहाँ पर यीशु मसीह रहता है वह जगह पवित्र है। जो आपने पाप किए हैं यीशु मसीह के सामने मानो ने छोड़ो, पश्चाताप करो। आज जब अंत का समय आ चुका है, तो हमारे मसीह भाई बहन पाप में गिरते चले जा रहे हैं, वे भी चार में गिरते चले जा रहे हैं, वे लड़कियों को पटाने में लगे हुए हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में लगे हुए हैं, वे सेक्स वीडियो देखने में लगे हुए हैं। याद रखना, इस हिसाब का बदला परमेश्वर आपसे लेगा। जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं, वहाँ परमेश्वर न्याय करके हमेशा हमेशा के लिए वही शरीर पहना के डाल देगा। जिस शरीर में आपने व्यभिचार और गलत काम किया होगा, उसी शरीर पहना के परमेश्वर उसका न्याय करके उसको नरक में फेंक देगा, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। मेरे प्रियो, हम सभी को हर समय हर घड़ी तैयार रहना। यीशु मसीह ने कहा है, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होगे, उसी घड़ी में आ जाऊंगा। उसी घड़ी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आ जाएगा, और जिस समय यीशु मसीह आ जाएगा, उस समय कोई तो पाप कर रहा होगा, कोई तो प्रार्थना कर रहा होगा, कोई तो बाइबल पढ़ रहा होगा, और जो उस समय तैयार होगा, जो अपनी तैयारी बना के रखा होगा, सिर्फ उसको यीशु मसीह बदल कर उठा लेकर जाएगा, अन्यथा किसी को यीशु मसीह लेकर नहीं जाएगा। याद रखना, यीशु मसीह ने कहा है, उस रात दो मनुष्य खाट पर सोते होंगे, एक को बदल कर उठा लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा सोने के लिए। दो मनुष्य खेतों में काम कर रहे होंगे, एक को बदल कर उठा लिया जाएगा और दूसरे को वही खेती करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचन बोल रहा है, व्यवस्था बोल रही है। मेरे प्रियजनों, हर समय तैयार रहिए, हर घड़ी तैयार रहिए, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं।
यीशु मसीह आने वाले हैं। अय्यूब 34 का 21 और 22 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं भी नहीं है कि जिसमें अनर्थ कल्पना करने वाले छिप सके। चाहे धर्मी हो या अधर्मी हो, सबको परमेश्वर देखता रहता है। ऐसा कोई स्थान नहीं है कि मनुष्य परमेश्वर की नज़र से छिपकर पाप करे। अगर आपके जीवन गुप्त रीति से पाप हैं तो अभी इस मसीह के सामने मान लो और सुधर जाओ। अभी समय है, वरना सारी हेकड़ी उस निकल जाएगी उस अनंत काल की आग में। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है अपने वचन के माध्यम से कि आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। जब आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का जो व्यक्ति नरक में जाएगा। मेरे प्रिय जनों, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 16 और 17 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जिस जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बदलों पर उठे जाएंगे। मेरे प्रियजनों, जब यीशु मसीह आएगा, जो मसीह में मर चुके हैं, जो विश्वास करने के द्वारा जो पहले ही मर चुके हैं, वे पहले जी उठेंगे। जो हम जीवित हैं, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, इन सभी को यीशु मसीह बदलकर उठा लेकर चला जाएगा। मेरे प्रिय, समय कम है, दिन बुरे हैं, हर समय हर घड़ी तैयार है कि यीशु मसीह आने वाले हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को दबा के शेयर करें। गुड लक।